बाई दीज प्रोडक्ट्स। आज आप तक शॉक हो जाओगे ये सच जान के, द डार्क ट्रूथ ऑफ द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। आज मैं एक फैंसी स्टोर गई टॉप मेकअप ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स खरीदने। हाउ मच इज दिस? $299 मैंने उसको पूछा मैक का फाउंडेशन है क्या? उसने बोला हाँ 280-290 रुपीज के, 3 वेरिएंट्स दिखाए उसने। ओरिजिनल तो 3000 के आसपास है। और मैंने उसको पूछा ये रियल है या फेक? ओरिजिनल इलवा नहीं मतलब ओरिजिनल है ये तो ओरिजिनल है न्यू पीस 299। जब प्राइस सस्ता है इंस्टेंटली हमारे दिमाग में ये आता है यार ये तो ले लेना चाहिए। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रीड द इंग्रेडिएंट्स एटलीस्ट, आधी चीजों के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं होगा। और तो और रियल क्या है फेक क्या है बिल्कुल भी पता नहीं चलता क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं। ये देखो क्या लिखा हुआ है, मर्क्यूरी क्रोमियम निकल ये सब तो है ना बैंड है यार कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में। और आप वही सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हो जिससे आपकी स्किन एज हो सकती है, एलर्जीज, इन्फेक्शंस, काफी प्रॉब्लम्स होता है। स्टॉप यूजिंग देम गाइस, क्योंकि उसी प्राइस में आपको काफी सारे अफोर्डेबल ब्रांड के ऑप्शंस मिल जाएंगे, पर ओरिजिनल तो ले लो। सुनो कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा फेक मेकअप प्रोडक्ट आपने देखा हुआ है। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो क्योंकि कुछ ही दिनों में मैं और एक बड़ा स्कैम रिवील करने वाली हूँ।